जयपुर शहर राजस्थान राज्य का सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला शहर है। जयपुर शहर में अनेकों ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपने बीते हुए इतिहास की दास्तान सुनाती हैं। ये इमारतें उस समय की राजशाही की याद दिलाती हैं जब राजा रजवाड़े यहाँ शासन किया करते थे। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर के सिटी पैलेस के बारे में। अगर आप जयपुर का सिटी पैलेस घूमने जाने वाले हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको सिटी पैलेस के इतिहास और वास्तुकला के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सिटी पैलेस हवा महल से सटा हुआ और जयपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। सिटी पैलेस का निर्माण जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1729 से 1732 के बीच करवाया था। सिटी पैलेस का निर्माण तब किया गया था जब राजा जयसिंह ने राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित किया था। जयपुर शहर में कई राजाओं ने शासन किया और विभिन्न प्रकार के महल एवं इमारतें बनवाई। सिटी पैलेस के परिसर में कई भव्य इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग हैं जो इसके राजसी इतिहास की निशानी है। इस परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन बने हुए हैं। सिटी पैलेस के छोटे से भाग को आर्ट गैलरी और म्यूजियम में बदल दिया गया है। सिटी पैलेस की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं। सिटी पैलेस में कछवा राजपूत वंश के जयपुर के महाराज का सिंहासन देखने को मिलता है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस महल के निर्माण की शुरुआत करवाई थी। यह परिसर कई एकड़ों के क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे पहले सिटी पैलेस की बाहरी दीवार का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण 1729 में शुरू हुआ और इसे पूरा करने में 3 साल लगे। सिटी पैलेस पूरी तरह से बनकर 1732 में तैयार हुआ था। सिटी पैलेस में सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा पहना गया कपड़े का सेट रखा गया है जो 1.2 मीटर चौड़ा था और कपड़े का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम था। सिटी पैलेस में सबसे दिलचस्प वस्तु में से एक 2 स्टर्लिंग चांदी के जार रखे हैं जो आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और ये दुनिया के सबसे बड़े शुद्ध चांदी के जारों में से एक है। सिटी पैलेस का निर्माण राजपूत, यूरोपियन और मुगल शैली में किया गया था। सिटी पैलेस को विद्याधर भट्टाचार्य और सैमुअल सुल्टन ने डिजाइन किया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी इन इमारतों पर बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशियां देखने को मिलती हैं जो पर्यटकों को बेहद लुभाती हैं। सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सिटी पैलेस रविवार को भी बंद नहीं होता है और पूरे सप्ताह खुला रहता है। सिटी पैलेस को अच्छे तरह से घूमने में कुल 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है।
सिटी पैलेस में घूमने के लिए भारतीयों को 75 रुपये का शुल्क, बच्चों को 40 रुपये का शुल्क और विदेशियों को 300 रुपये प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। और अगर आप यहाँ फ़ोटो खींचना चाहते हैं और कैमरा लेकर जाना चाहते हैं तो आपको अलग से 50 रुपये का शुल्क और वीडियोग्राफी के लिए 150 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। गाइस, रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।